ओ ये तो इसकी तो शक्ल ही चेंज हो गई है। बड़े हो रहे हैं ना। ए देखो देखो शाबाश, इसने सुसु कर दिया है, सुसु कर दिया है इसने, वे इसने सुसु कर। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और हरियाली देख के आपको पता लग गया होगा कि अभी मैं आ गया हूँ हिमाचल में। आज मेरी छुट्टी थी तो मॉर्निंग में ही मैं तैयार हुआ और मैंने सोचा कि चलो बच्चों से मिलके आते हैं, बहुत मन कर रहा था। तो बस मैं ऑलमोस्ट घर के पास पहुँच ही गया हूँ। मैंने सोचा कि ना आपको थोड़ी सी यहाँ की हरियाली जो है वो दिखा दी जाए। वाह 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 वाह। तो मन तो किसका नहीं करता घर आने को, मेरा पास चले तो मैं हर रोज़ घर आ जाऊँ, लेकिन इतने दूर से आना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं छोड़ता नहीं हूँ घर आने के लिए। भाई अपना इलाका ना अपना ही होता है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, हर हर तरफ हरियाली हरियाली है। वाह क्या बात है। आते आते रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो मजा ही आ गया। बारिश में मेरे को गाड़ी चलाना वैसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बारिश होनी चाहिए, उससे मैं ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा हो तो उसमें गाड़ी चलाने के लिए दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ के रोड आपको देख ही रहे होंगे भैया, कितना देखो यहाँ भी पुल बन रहा है और अभी चौड़ी हो गई है सड़क भी, तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। अभी तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है यहाँ पर ड्राइव करना, इतने नैरो नैरो रोड है और ऊपर से इतने तिखे मोड़। कुछ टाइम के लिए ऐसा ही बस थोड़ा थोड़ा गैप करके ही आपके लिए वीडियोज़ आएंगे, लेकिन जल्दी ही आपको जो है रेगुलर वीडियोस मिलना जो है वो चालू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे थोड़े से छोटे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जलंधर ले जाने के लिए सोचना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि उधर ले जाऊँगा तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ संभालने के लिए। यहाँ पे तो चलो घर में भी मम्मी डैडी हैं और भी दादी हैं, वो भी देख लेते हैं, और वहाँ पर जाके फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भैया इतने फास्ट आ रहा है ना आगे से, ऐसे कहीं गाड़ी में लग जाए तो अपना भी नुकसान कराएगा मेरा भी, क्योंकि इन रास्तों के ऊपर इतना फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, एकदम से गाड़ी निकालने के लिए जगह नहीं मिलती है। अभी नहीं आया, ये क्या कर रही है, कपड़े सुखा रही हूँ। अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी। हाँ जी हाँ काकू नहा गए हैं। अच्छा होए 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 होए, चुन्नू मुन्नु तो सोए, चुन्नू मुन्नु पापा भी आ गए हैं इधर। ओ ये तो इसकी तो शक्ल ही चेंज हो गई है। ए देखो देखो शाबाश, इसने सुसु कर दिया है, सुसु कर दिया इसने, वे इसने सुसु कर दिया वे काकू ने, इसकी तो बिल्कुल तो शक्ल चेंज हो गई है ना। लंबे अम्मा जी है, लंबे नहीं ये नीचे से ये है ना निकल जाएंगे, ये थोड़े थोड़े मोड़ ना, कोई बड़े थोड़े नहीं, नहीं थोड़े थोड़े मोड़ने। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भोटा, राधा स्वामी सत्संग सेंटर के अंडर जो हॉस्पिटल आता है उसमें जाएंगे बच्चों का चेकअप करवाने के लिए। नमस्ते आंटी, और ठीक ठाक है? अभी लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ से वापिस जा रहे हैं जलंधर, बीच बीच में कमेंट आ रहे हैं लोगों के पीछे से। अच्छा छोटे वाला था ये है, यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुके हैं इसको दूध पिलाने के लिए, क्योंकि जब इसको भूख लगती है ना तो फिर ये रुकता नहीं है, पैं 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 कर ही जा रहा था। गाइस फाइनली पहुँच गए हैं भोटा में हॉस्पिटल में। तो गाइस जब मैं 6th में पढ़ता था तब मैं इस हॉस्पिटल में आया था और उसके बाद मैं सिर्फ आज आ रहा हूँ, तो लगा लो हिसाब कितने सालों बाद आया हूँ। 6 and a half hours later बहुत दूध पीते, 2 बार सुसु कर दी इसने। सुसु तो सारा दिन ही जुगनू है, सोया गाड़ी में, गाड़ी में सोने के लिए खुश है। और ये छोटी जुगनी दिखाना, जुगनी इधर, जुगनी इधर देखो,
अम्बू खा लो अम्बू मेरे साथ। सो गाइस हॉस्पिटल जाकर आ गए थे और वापिस आके जो है सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने एक सेकंड के लिए भी आंख लगने नहीं दी। और यहाँ पे हो रही है बारिश, मज़ा ही आ गया। कंटिन्यू बारिश हो रही है मॉर्निंग से, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और बारिश में तो सोने का अलग ही मज़ा है। लेकिन वही है ना कि बता रहा हूँ कि एक मिनट भी नहीं सोने दिए इसने। और मैं चाहता था कि एक बेड यहाँ पे होता ना, बेड तो है लेकिन दोनों बेड ये जो है ख़राब है, नहीं तो यहाँ पे लगा के दोनों तरफ से ठंडी ठंडी हवा आती और मज़ा ही आ जाता है सोने का। आ जाओ इंदु ऊपर, मम्मी के पास दे दो। तो गाइस ऊपर से मैं इतनी देर इसको इशारे करता कि आ जाओ ऊपर ना, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मतलब चारों तरफ से साउंड आ रही है, साथ में हवा आ रही है, लेकिन ये नहीं ऊपर आ रहा। छत पानी की बूंद नहीं गिरती हमारे पास, छाते नहीं है घर में ना। आधे घंटे पूछी मेरी जो गई है, अरे गुच्छा क्यों? अच्छा क्या हुआ भाई, नहीं करनी उससे, नहीं करनी हमने बात, हमने अपने बच्चे से इससे ही करनी।